पहली बार पूर्वोत्तर की जनता देश के दूसरे हिस्सों से जुड़ी है और आज भारतीय जनता पार्टी पूर्वोत्तर में यदि जीत का परचम फहरा पाई है तो उसके पीछे पूर्वोत्तर के लोगों का भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी का देश का कार्यकर्ता आज पूरे तरीके से आनंदित है। बड़ी बात है कि जो भारत को जोड़ने चले थे उनकी खुद की कमर अब टूटने लगी है और वो दोयम तीसरे चौथे पांचवें दर्जे की पार्टी बन के रह गई है। इसलिए ये युग है, मोदी जी का युग है, जहां परफॉर्मेंस की राजनीति चरम सीमा पर है। जो कहा वो किया और सबसे बड़ी बात ये है कि भरोसा जीता है, मोदी जी का नाम और काम जीता है। तो इस सीट पर केंद्रीय नेतृत्व को खूब सारी बधाई और राजस्थान के तमाम कार्यकर्ताओं को भी बहुत बधाई। 2023 में सिर्फ क्या रहेगा जीत का? देखिए, जीत का आगाज हो ही गया तो ये जीत का सिलसिला अब रुकेगा नहीं और इसमें राजस्थान भी अछूता नहीं रहेगा। हमें पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से मोदी जी का आगमन हुआ, दौसा में जिस तरीके से जनता उनको सुनने के लिए आई, वो अपने आप में फिल्म का ट्रेलर था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की 2023 की राजस्थान की फिल्म जानदार और शानदार होगी।